कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आप ठीक है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर, देखते हैं कितने आप लोगों के से ठीक है। तो सॉरी, मैंने इन दिनों से अपलोड नहीं किया था, क्योंकि रोज अगर इतनी हिम्मत किसकी हुई कि पहले फोन पकड़ो, जाके ऑन करो, कैमरा डालो, अपना गला कम करो। और मेरा आगे से रोजा नहीं, उसके लिए मैंने भी किया, मैंने रोजा नहीं छोड़ा है, अभी सहरी का टाइम होने वाला है उसके लिए। तो ये है वजह क्यों मैंने इतनी दिनों से अपलोड नहीं किया है। एंड मैंने सोचा है आज कि मैं अपनी सहरी से लेकर इफ्तारी तक अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूं। रूटीन ही बेसिकली व्लॉग ही होएगा, क्योंकि पूरा दिन का व्लॉग है। एंड आई होप कि आपको मजा बहुत आएगा, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। तो अभी लाइक एग्जाम्पल होया 3:01 एंड आज 19वां रोजा है। सो तो बाय द वे BTW, आप सबको मेरी तरफ से रमजान मुबारक। मैं रोजे पर सॉरी लेट थोड़ा, बट फिर भी रमजान मुबारक नचे। वो एक अलार्म था, क्योंकि कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो 1 बजे आके उठ कर बैठ जाती हूँ। यस, तो मेरी रूटीन में से कोई खास नहीं है, बस सहरी के जो खाती हूँ बेसिकली आधा पराठा खाती हूँ, फिर मामा फोर्स करके पूरा खाओ वरना कोई रोज़ा नहीं है। और अगर सहरी कोई बच्चा ना करे उसका रोज़ा नहीं, तो मुझे अपना बुद्धू बना रही होती है, पर सारे मिलकर कहते हैं हाँ सच्चा सच्चा, पर मैं इतनी भी बुद्धू नहीं हूँ कि मैं मान जाऊँगी, बट फिर मुझे खानी पड़ती है, मामा का कहना तो सबको मानना पड़ता है, तो मैं खा लेती हूँ। और इफ्तारी के अंदर मैं कुछ नहीं खाती, क्यों है ना? नहीं झूठ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन पकौड़ी खाती हूँ, तो सहरी तो बहुत कम खाती हूँ, बट इफ्तारी का तो कोई पूछे ही ना, क्योंकि भर भर के खाती हूँ, भूख तो कंट्रोल ही नहीं होती है। बट नमाज मैं पढ़ती हूँ बीच के अंदर, ठीक है, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगी। तो मेरी सिस्टर कैमरे के पीछे है, कुछ कहना चाहोगी? नहीं, बस आप सबको रमजान मुबारक मेरी तरफ से। हमारी तरफ से। तो हाँ, अभी अलार्म बजा था, क्योंकि कभी कभी मैं लेट होता था, मैंने आपको बताया। तो अभी होगी प्रिपरेशन रोजे के लिए। एंड वैसे मेरा दिन आधा गुजर जाता है, क्योंकि मैं लेट उठती हूँ, मतलब मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, लेट ही उठती हूँ। जो उठी दोपहर के 12 बजे उठती है, कब मैं थकी होती हूँ, बट नहीं मैं थकी। ओके, चलो अब सैटरडे में मिलते हैं, खाना खाते हैं, बाय बाय। बात इतनी मीठी क्यों है जिसके सबसे पीछे लड़की है? तो गाइस, ये मेरी सहरी, मैंने आपको बोला था मैं थोड़ा खाती हूँ, बट मुझे नहीं लगता ये थोड़ा है। ये है पराठा, मैंने आपको बताया मैं आधा खाती हूँ, मम्मी जबरदस्ती बिल्कुल। हाँ, ये है पराठा। अगर आपको नहीं पता स्पेलिंग्स, तो गूगल पे जाकर सर्च कर सके, उसके लिए आजकल इंटरनेट बने। ये दही है और यहाँ फरी है, बस फरी सहरी का टाइम है। और क्राई की क्राई गोश्त जो रात की इफ्तारी के लिए बना था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने 2 नान खाए थे इसके साथ, बहुत यमी था। और ये फ्राई अंडा है, ये फ्राई अंडा है जो मेरी सिस्टर खाएगी। पेप्स तो नहीं हो सकती ना, सहरी है, लाइट लाइट खाना है। मुसलमान चलो कोई नहीं, चलो अब सहरी करते हैं, बाद में मिले हमें। हाँ, फिर अभी हमने नमाज पढ़नी है, तो हम आपको सुबह मिलेंगे। सुबह मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे, कभी मिलना है, कब मिलेंगे जरूर, कितना मैं बता दूँ आपको। बाय बाय। तो कैसे हैं आप? मैं भी कुछ मिलकर ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई बाद में सहरी का। तो पहले मैं सहरी करके सो गई थी, एंड तकरीबन मैं 10 बजे उठती थी, एंड 10 बजे उठ के 2 घंटे मैंने इंस्टाग्राम चलाए थे रील्स वगैरह के। और अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता तो यहाँ पर लिखा है लिंक, मेरा इंस्टाग्राम है शुभ मनी 1234। एंड हाँ, उसके बाद मुझे बहुत टाइम लगा रेडी होने के लिए, एंड अभी मैं रेडी कर रही हूँ। हमारी पूरी फैमिली 12 बजे से पहले ही उठ गई थी, और मैंने आपको बताया मैं 9 बजे उठ के बैठी। अच्छा, झूठ कह रही है, 12 बजे उठी थी।
तो मैंने आपको बताया था कि गर्मियों के दिन बहुत ज़्यादा पौधे लगते हैं, और ये आप देख सकते हैं ये कब जिसके रात होती है जिसके शाम के टाइम बंद हो जाते हैं, और फिर कब सुबह होती है फिर खुले जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं वहाँ पर और है, ये देख सकते हैं पर्पल, ये और ये थोड़े से खुले हैं। उस साइड पर आपने देख ही लिए होंगे, उस साइड के बहुत प्यारे हैं। एंड मैं अभी फ्रेश एयर लेने आई हूँ, मेरी सिस्टर अभी ट्रैपिंग जंप कर रही है, तो हाँ मुझे रोज़ा तो लग रहा है। ओ ये सनफ्लावर्स बहुत क्यूट है, मुझे रोज़ा तो लग रहा है। ओके हाँ, और ये एक बहुत बड़ा सारी चीज़ है, पहले ग्राहक तो यहाँ पर पहले एक जैसे कि टोकरी होती थी जहाँ पर एक चिड़िया रहती थी और उसके अंडे थे। एक दफ़ा हमारे कज़न आए थे तो उन्होंने नीचे गिरा दिया था, फिर अंडा गिरा था, मुझे रोना आ गया था। बट कुछ नहीं होता, बहुत तो हाँ। और यहाँ देखते यहाँ पर हाफ रेड और हाफ ब्लैक है डिज़ाइन, तो यहाँ पर बहुत प्यारा है। और वो शैम्पू ले रहे हैं हमारा, अपनी आवाज इतनी नीचे की हो गई ना, वरना पहले मैं सबसे अच्छी हूँ मैं यहाँ। तो अभी शमारा तुम्हें रोज़ा लग रहा है? लग रहा तो मैं जंपिंग कम ही करूँगी वरना मुझे प्यास लगेगी, और फिर मामा को बोलूँगी, मतलब मामा को जाकर तंग करूँगी, और मामा ने फिर क्या मुझे तंग क्यों कर रहा हूँ, मुझे फूल सारे में क्या क्या खाऊंगी? मैं तो बहुत कुछ खाऊंगी, मैं मैकडोनल्ड खाऊंगी, मैं चिकन पकौड़े खाऊंगी, मैं पिज्ज़ा खाऊंगी, मैं फ्रेंच फ्राइज खाऊंगी, मैं फ्रेंच फ्राइज वाले पकौड़े खाऊंगी। पास्ता बनाने क्या? ना नो पास्ता, आई डोंट लाइक पास्ता, पर मैं खा ही लूँगी, पर मुझे और चीज़ें भी खानी होंगी। तो रात को इसने नमाज पढ़ के आके सो गई थी, मैं उठी रही थी 5-6 बजे का, तो उसके लिए 12 बजे या मैं 10 बजे। आप बताएं आपका रोज़ है आज? नहीं आपकी आपका कैसे गुजरे आपके रोज़े? मेरे तो ठीक है, चल रही है, मेरी बहन कह रही है कि मैं रेस में, मैं कह रही हूं नहीं बना मेरा घर टूट जाए और बैठ जाए, और आज तुम का थीम ब्लैक आएगा। यस यस, हम ब्लैक खाना खाएं? नो, इनमें से ब्लैक खाने के होता क्या है? एक आइडिया, एक दिन हम चैलेंज करेंगे ईटिंग ओनली वन कलर फूड चैलेंज, या ब्लैक वाइट नहीं येलो, मैगी भी खा सकते हैं बनाना, येलो मेकर या नहीं आइडिया, बाउल के अंदर डालेंगे चिप्स और अंदर से निकालेंगे, या गुड आइडिया। अब बॉल खेलें, अब बॉल खेलें, अब बॉल पकड़ो, बॉल मेरे हाथ खराब, ठीक पकड़ के कैमरा पकड़ो। ओके कौन जिसकी बॉडी एक स्मॉल स्टैंड पे, मतलब बिगिंग आपको बॉल नजर आए, हम लोग एडिटिंग करके ना बॉल बना लेंगे जो भाग रहे हैं, ऊपर स्क्रीन पर पहुंच नजर आ रहे हैं। लास्ट बारी है, उसके बाद वो पता चल, बहुत देर बाहर रह रहे हैं, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके फेवरेट पौधे कौन सा, ये येलो कलर के। मेरी उंगली वापस जरूर दी, ये आपको ये ज्यादा अच्छा लगे, ये पिंक वाले बहुत प्यारे प्यारे ये अच्छे लगे, या ये रेड वाले जो कि उठते हैं फिर बंद हो जाते हैं दोपहर को फिर सुबह, ये येलो और पिंक मिक्स, एंड वहाँ पर पर्पल है, ये मुझे अच्छा लगते हैं। वैसे मेरे फेवरेट तो सारे के सारे हैं, मैं तो नहीं चूज कर सकती है। हाँ तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा मज़ा करेंगे, और फिर हम आपको जैसे कि 5-4 बजे हाँ क्या भी हम करते रहेंगे, जब कब चीज़ें चेंज करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। और हाँ मैं हाँ प्रिपरेशन, वैसे मैं शुमाइमा मैडम कुछ नहीं करती है, मैं और मेरी मामा मैं खाना खाती हूँ। हाँ बहुत बड़ा खाना है। हाँ और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स फोटोज खींच कर लगाती हूँ। हाँ, बस कर लो। हाँ बाय बाय अभी के लिए।
तो गाइस हम आगे हैं बाइट से, और बाइट हमने वैसे ज्यादा तक जैसे कि सेल्फीज खींची थी, मतलब फोटोज पोस्ट जो हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं वो, और ये मेरे रूम के अंदर हम आ गए हैं। डोंट माइंड द डेस्क, मैं आपको एक डेस्क की छोटी सी टूर दे देती हूँ। यहाँ पर है मेरा कैलेंडर, अब मे होने वाला है, ये एक और जो मेरी सिस्टर मुझे मेरी लास्ट बर्थडे में दिया था। मैं हो भी गया फर्स्ट में, हाँ तो मैंने बोला मैं हो गया। तो ये कॉर्ड है, मैं बाद में सेट कर लूँगी। यहाँ पर कैप्स है, ये नीचे से पानी डालते हैं, इधर ये गिरते हैं, यहाँ पर ये गिर कर एंड पर चल जाता है, और ये मेरे स्लाइम्स है, और ये मेरे हेलो फ्रेंड्स, और ये मेरी बॉटम लाइन रात के लिए, एंड फ्लास ये मेरी पेंसिल केस है, ये मेरे पास क्यों मैं खेलूंगी, मैं खेलूंगी। ओके मैं डेकोरेट कर दिखाती हूँ, मैंने पहले से डेकोरेट कर लिया है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये मंथा याकी दिस इज माइन डोंट टच इट। तो ये मैं डेकोरेट कर लिया, मैंने आपको बताया कि मुझे शारा मुझे मंथा इसकी चाय बहुत पसंद है। तो ये भी चाय मुझे जिसके ये लड़की बहुत पागल है, फिर भी आई डोंट केयर इफ शी इज माय बिग सिस्टर, बड़ी हूँ मैं उससे, वैसे पता नहीं हाइट के अंदर बहुत छोटी हूँ। चले मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। तो ये डेकोरेशन बहुत है, ये साथ ही ओके। तो आप मुझे फ्रेंड में कौन सी डेकोरेट करूँ, ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी ना जिसके मैं बाल पीछे बांधना भूल जाती हूँ तो अंदर बाल चले जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 3 कलर्स की, और मैं भी इनको डेकोरेट करना, ये देखें ग्लिटर, I like glitter because I'm सारे सेम ही कलर है क्या, ग्लिटर सेम कलर। Hey, I put the bag right now. और वैसे आपको बाय में ठीक आवाज नहीं आ रही होगी क्योंकि हवा चल रही थी, ये मैं किधर डालूं, बहुत प्यारा मौसम है भाई। तो गाइस ये स्लाइम तो इसकी सारी स्लाइम अच्छी है, अच्छा अपनी पिंक रखी है, मुझे गंदी वाली दे दे। एक शर्मा इसको गंदी वाली से दिखाना, इस तुम्हारे अंदर ही होती ना क्या वो गंदी वाली पोइस, ओ मेरे अंदर स्लाइम। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, या मुझे मेरी फेवरेट चीज डेकोरेशन की सीक्वेंस है, मैंने ये सारा कुछ डाला है वैसे। मैंने सीक्वेंस जिसके मेरी सिस्टर के जो बच्चे कलर गए थे वैसे मल्टी कलर के अंदर, मैं अंदर हूँ चीखे बड़ी मारती हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। ओके मैं आपको देखते हैं गंदी आवाज आती है, तो गाइस ये लंबी ना हो जाए तो मैंने आपको नहीं दिखाई थी, वीडियो ना हो जाए, हाँ लंबी वीडियो ना हो जाए। तो मैंने सोचा थोड़ी देर तक मैं या किया शराब अच्छा गंदी सबसे वॉइस को कहती है, अच्छा ये लड़की ना उल्टा ऑपोजिट चल रही है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, माय फेवरेट कलर इज black, white and light pink, light blue, light neon colors. Okay. Oh, hi guys. अभी होने वाला इफ्तारी का टाइम, मैंने आपको इतना कुछ दिखाया नहीं है क्योंकि हमने कुछ ना खास नहीं किया, बस स्लाइम खेली, उसके बाद मैंने फ़ोन चलाया, इंस्टाग्राम चलाया एंड यूट्यूब की अंदर थोड़ी थोड़ी वीडियोस देखी, इतना ही किया एंड हाँ। तो अभी मैं आ गई हूँ इफ्तारी के टाइम पर, और अभी मेरी सिस्टर मैंने क्या सोचा, मैंने पापा को बोला था पापा क्या मैकडोनल्ड लेकर आ सकते क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, हाँ मुझे बहुत पसंद है ट्रियो क्योंकि वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज कोक एंड बर्गर देते हैं एंड मुझे बहुत पसंद है एंड मैंने पहले से बोल दिया हुआ है। एंड मेरी सिस्टर मॉम की हेल्प कर रही है किचन के अंदर, और वो चिकन पकौड़े बना रही है और बहुत काफ़ी चीज़ें, हाँ बट मुझे जो पसंद है उन सब चीज़ों के अंदर वो है चिकन पकौड़े, उसके लिए मैंने चिकन पकौड़े का नाम लिया है। एंड ये स्क्विशी इतना क्यूट है, इवन की स्क्विशी नहीं है। एंड मैंने खाने के लिए मैं बेसिकली मेरी रूटीन के अंदर मैं दवाई लगाती हूँ क्योंकि मैं क्या है कभी कभी लाइक मुझे एलर्जी का थोड़ी सी, तो उसके लिए ये है नोज के लिए, ये आप देख सकते हैं, बट रोज़ के लिए मैं नहीं लगा सकती हूँ, हाँ बट कब
जस्ट की टाई के बाद में लगा देती हूँ. एंड हाँ, ये मेरा एक्सेसरी बॉक्स है. मैं आपको मैं सोचूं कि अपना एक रूम टूर दूँ आपको बहुत जल्द. मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा एक्सेसरी बॉक्स है. यहाँ पर मेरी ग्लासेस, ये मेरी फेवरेट ग्लासेस है. हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ अभी. ये खोल देना प्लीज. तो अभी मैं शूटिंग खुद करी क्योंकि मेरी सिस्टर है किचन में, हम क्या कर रही है. अभी आप देख सकते हैं, ये मेरी फेवरेट ग्लासेस ब्लैक कलर की हैं. ये बहुत क्यूट हैं. और ये स्नो स्नोमैन है एक, जिसकी यार मैंने एक वीडियो बनाई थी, 8 फुट लंबा स्नोमैन, जो कि लाइक मुझसे भी लंबा था, बट ये मुझसे बहुत छोटा है और बहुत क्यूट है. एंड मैं इसको पीछे ही रखती हूँ क्योंकि अभी तक इनका मौसम नहीं आया. एंड हाँ, फिर कब हम अंदर आए थे, हमने सेल्फीज जो जो हमने शूट की हैं, एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया देखने के अंदर. लाइक मैं हंस रही थी कब देख रही थी. बट दुनिया वालों, अगर आप 2 साल पुरानी अपनी पिक्चर देखकर हंसते हो, ये ना भूलो कि आप वो ही हो, बस फिल्टर्स आ गई हैं. हाँ, ये डायलॉग था एक, बट मैंने बोल दिया. इवन मैंने ठीक बोला ही नहीं है. बट हाँ, कब मैं न्यू आई थी, मुझे लगता था कि इस घर में न्यू आई थी, तो मुझे लगता था कि ये नाम मेरी सिस्टर, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, लाइक 7 ईयर्स की थी, 8 ईयर्स की थी. मुझे लगता था ये मेरी सिस्टर का नेम है और ये मेरा नेम है. एंड हाँ, ये बात पता नहीं कहाँ से आ गई, बट जो मुझे नजर आता है वो मैं बोलती हूँ, पता नहीं क्या है. गाइस, आप देख रहे हैं, ये है चिकन पकौड़े. मुझे बहुत शौक है, ये कह रहे हैं कि उसको कुकिंग करने का बहुत शौक है. मुझे डर लगता है चूल्हे के पास आने से, ओवन के पास, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ऐसे ही कर रखूँगी ना, हाथ यहाँ पास भी इसको ऐसे ही करूँगी, तो लाइक मेरे ऊपर आग लग जाएगी, उससे मैं नहीं कुकिंग करती इतना. ये आप देख लें बाई का वेदर. तो मेरे पापा आए थे घर, उन्होंने बोला था बंद है, तो अभी हम डिलीवरी करवाने वाले हैं. बट मैकडोनल्ड की जान मैं कभी छोड़ूंगी नहीं. अगर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आई डोंट नो, आप कुछ कर लें, क्योंकि मैं बाहर हूँ और गाड़ियाँ जिसके स्प्लैश व्लैश कर रही हैं और मैं कैमरा बहुत हिला रही हूँ. एंड हाँ, अभी लाइक शाम का टाइम है, एंड अभी लाइक 15-20 मिनट्स रहते हैं और मैं बाहर अपना आपको मौसम दिखा रही हूँ. बहुत प्यारा ये, जिससे कि कब मैं शूटिंग करती हूँ ना, आगे आ जाता है एक येलो सर्कल. और रॉबॉक्स में गेम है शार्क बाइट, कब शार्क पास आ रही हो तो एक जिसके येलो सर्कल दिखा देते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर एक शार्क है क्या. आई नो फनी नहीं है, बट मैं हंस लेती हूँ. तो चले अभी अंदर चलते हैं. मुझे इस वीडियो को शूट करते वक्त बहुत मज़ा आया, मुझे लाइक इतना मज़ा है, मुझे अपना दिन दिखाने के साथ शेयर करने के साथ बहुत मज़ा आया. और आई होप कि कितना मज़ा मुझे आया है इस वीडियो को बनाने वक्त, उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आपको देखने में. और अगर सच में देखने के अंदर आया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे. तो हाँ, अभी यह सारे के बाद का टाइम. हाँ, मैंने उस दिन नहीं दिखाया क्योंकि बाय रात थी और मैं खाने के लिए बहुत बिजी थी. तो हाँ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए. तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.